सिद्धार्थनगर जिले के महिला थाना पर तैनात महिला प्रभारी ने ड्यूटी के लिए आमद कराने आई महिला पीआरडी की पिटाई कर दी, जिसमें उस महिला के सिर पर गंभीर चोट लगी है। पीड़ित के साथ में काम कर रहे साथियों ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़िता पीआरडी रीता पासवान ने महिला थाना प्रभारी मीरा चौहान के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि महिला थाना प्रभारी पीआरडी के लोगों के साथ घर के काम जैसे झाड़ू पोछा बर्तन धुलवाना और अन्य तरह के घरेलू काम करवाती है। इतना ही नहीं, वो तरह तरह से पीआरडी में तैनात महिला का उत्पीड़न करती है। वहीं जब इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य साक्ष्यों की भी पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधीक्षक ने आगे कहा कि सीओ सदर द्वारा जाँच की जा रही है, जो दोषी होगा उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज एक महिला पीआरडी कर्मी ने थानाध्यक्ष महिला थाना सिद्धार्थनगर पर मारपीट करने व अन्य आरोप लगाए हैं। आज वो थाने पे अपनी आमद कराने गई थी, उसके बाद की ये घटना बताई गई है। इस संबंध में जांच सीओ सदर सिद्धार्थनगर को दी गई है। मौके पे उपलब्ध थाने पर सीसीटीवी और जो पब्लिक के आदमी मौजूद थे उनके बयानों के आधार पर शीघ्र ही जाँच पूर्ण की जाएगी। जाँच के अनुसार इसमें विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। सी 120 कितना है था? 40-56 है। सी 120 40-56। कहाँ तैनात हैं इस समय? हम महिला थाना सिद्धार्थनगर। महिला थाना सिद्धार्थनगर जी। मैं जी सर, वो मतलब महिला थाने में ये ड्यूटी कर रही थी, मतलब इनका आमद हुआ था, आमद करने हम लोग आए थे तो इनका लिखित गया था, तो ये कह रही है कि हमको ड्यूटी, मतलब मैडम कह रही है कि आपको ड्यूटी यहाँ नहीं करना, तो इनको लिखित से मतलब इनको देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।